नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और जैसा कि आपको पता है, हमने हिंदी के अंतर्गत आपका जो चैप्टर नंबर 3 शब्द विचार चालू करा था, और इसमें हमने वीडियो 1 आपको दे दिया है। आज वीडियो नंबर 2 होने वाला है, तो आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के देख लेना, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैंने कंसेप्ट आपको समझाए हुए हैं। और उस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको अर्थ के आधार पर शब्द के भेद बता दिए हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं। तो हमने यहाँ पे बताया था शब्द के अर्थ के आधार पर आपके 2 भेद होते हैं, 1 और 2। यानी 1 में होता है सार्थक, इसमें होता है निरर्थक। सार्थक के हमने बताया कि 4 टाइप होते हैं, विलोम होता है, और आपका अनेकार्थी होता है, एकार्थी होता है, पर्यायवाची शब्द होते हैं, इनको हमने बताया था। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप जा करके उसे देख लेना। और आज हम उत्पत्ति के आधार पर इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम चलते हैं उत्पत्ति के आधार पर, जहाँ से दिया गया है हमको, तो उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं शब्द के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति का मतलब जिसका जन्म हुआ हो, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर जहाँ से इनका जन्म हुआ है, ठीक है ना, तो वहाँ से ये उत्पत्त हुए। उत्पत्ति का मतलब वहाँ से जो जन्म लिए हुए। इस आधार पर यह देखा जाता है कि शब्द का जन्म कहाँ हुआ है, उसका संबंध कहाँ से है, उसके आधार पर तत्वों के भेद कर लिए जाते हैं, उसके आधार पर हम इसको बांट लेते हैं। तो हमने इस आधार पर हमने इसे 5 प्रकार से बांटा हुआ है। तत्सम बांटा है, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। तो इस प्रकार से हमने 5 भागों में बांटा हुआ है उत्पत्ति के आधार पर। अगर आप थोड़ा रिलेट करना चाहें तो ऐसे करके आप समझ सकते हैं, एक अपने अच्छे के लिए, मतलब आप एक ट्रिक से समझ सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, इस तरीके से 5 मान लो कि 5 प्रकार से इसको बांटा गया है। ये अपने दिमाग की पोपज है, आप खुद बना सकते हैं इसको, ठीक है ना, खुद आप इसका क्रिएशन कर सकते हो। इसके बाद हम तत्सम रूप देखेंगे। तत्सम रूप क्या होते हैं, जो संस्कृत के सेम टू सेम एज इट बज हमने यूज कर लिए हैं, वो हमारे संस्कृत के वर्ड होते हैं। जैसे हमने, जैसे जल, जल संस्कृत में था तो हम इसे हिंदी हिंदी में ले आए जल को। इसी प्रकार से आप देखेंगे रात्रि है, दिवस है, पृथ्वी है, काक है, घृत है, ये सभी शब्दों को हमने सेम टू सेम यूज कर लिया है, यानी संस्कृत से उठा लिया है। तद्भव क्या है, ये भी हमने बोरो करे हैं संस्कृत से, और इनके अल्टरनेट हमने क्या करा कि इन शब्दों में क्या करा, अपनी आवश्यकता के अनुसार कुछ इनमें हमने परिवर्तन कर लिया। जैसे मान लीजिए, हमें जैसे पहले रात्रि यूज करा करते थे हम, रात्रि, अब रात्रि को हमने अब बना लिया है रात, क्योंकि हमें इसमें आसानी भी है रात बोलने में। रात्रि पहले बोलते थे हम तो, मतलब उसमें समय के अनुसार ये चीज़, मतलब थोड़ा इम्प्रूवमेंट इसमें, मतलब परिवर्तित होती चली आई है ये चीज़। तो इस तरीके से ये रात आ गई है। अभी भी आप देखते हैं होंगे कि पहले व्हाट्सएप पे आप देखते हैं, और भी आप चैटिंग जो सोशल मीडिया साइट्स होती हैं जिन पे आप चैट करते हैं किसी से, तो आप पहले आप लिखते थे पूरा गुड नाइट, गुड नाइट लिखते थे इस तरीके से, ठीक है ना। बट अब अगर आप देखेंगे ट्रेंडिंग में, तो अब ये चीज़ क्या है कि अब इस चीज़ को पर्सन क्या करता है, GN लिख देता है, यानी गुड नाइट। गुड मॉर्निंग को GM लिख देगा, क्या लिख देगा, गुड मॉर्निंग को GM लिख देगा। तो इस तरीके से अब वो शॉर्ट को यूज करने लगा है। इसी प्रकार से क्या होता था कि इस चीज़ को हम हौले 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 हमने इम्प्रूवमेंट कर लिया इस चीज़ में। अब तद्भव क्या, मतलब थोड़ा अपने आवश्यकता अनुसार इसे चेंज कर लिया। अब इसी प्रकार से आप देखेंगे, जैसे पानी को, जल को पानी कर लिया, रात्रि को रात कर लिया, और ये पृथ्वी था उसे धरती कर लिया। अब यहाँ पे देखेंगे काक, काक माने होता है कौवा, और कौवे को हमने, अब हमने कौवा बना लिया इसे, काक को हमने क्या कर लिया, कौवा बना लिया। अब ऐसे ही घृत का मतलब होता है घी, और घी को हमने क्या कर लिया, मतलब अब हम घी यूज करते हैं घृत की जगह, और दिवस का क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इन वर्णों को अपनी आवश्यकता अनुसार कन्वर्ट इन्हें कर लिया है। तो ये क्या है, ये हमारे तत्सम और तद्भव वर्ण हैं। आपको समझ में आए होंगे तत्सम क्या होते हैं। तत्सम वे शब्द हैं जो संस्कृत के एज इट इज यूज कर लिए हैं, और तद्भव वो हैं जो कि इन्हें हमने क्या कर लिया है, इनको हमने थोड़ा परिवर्तन कर लिया है अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने सुटेबल, मतलब जो हमारे लिए रहें उस अनुसार हमने इन्हें क्या कर लिया है, इन्हें हमने थोड़ा परिवर्तन कर लिया है। इसी प्रकार से आप देखेंगे इसमें जो बताया, कुछ कुछ शब्दों के तत्सम व तद्भव रूप यहाँ प्रस्तुत करे गए हैं। जैसे कृषक होता है तत्सम, और तत्सम का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, कृषक का किसान। पहले हम कृषक यूज करा करते थे, अब हम किसान यूज करते हैं। ऐसी ग्रंथि, ग्रंथि का अब हम यूज करते हैं किसका, गांठ, अब हम गांठ बोलते हैं ग्रंथि को। पहले हम ग्रंथ बोला करते थे, जब मतलब गांठ को पहले हम ग्रंथ बोला करते थे। भगनी, भगनी पहले हम बोलते थे बहन को,
मतलब पहले हम भगनी बोला करते थे, बट अभी जो प्रेजेंट समय में हम क्या बोलते हैं, बहन बोलते हैं। उच्च मतलब पहले हम उच्च जो होता था तत्सम रूप है, उच्च को अब हम तद्भव में बोलते हैं ऊंचा। इसी प्रकार से हस्त को हम अब हाथ बोलते हैं, उल्लू को हम अब उल्लू बोलते हैं, अग अग को हम अब आज बोलते हैं। अग क्या था, ये एक तत्सम रूप था, संस्कृत का शब्द था, और उसे हमने कन्वर्ट कर लिया आज में। ऐसे कूप, कूप मतलब कुआ। अभी देखो अभी अभी भी आप देखेंगे देहात में, अगर आप देखेंगे तो वहां पर कूप का यूज करा जाता है, कूप बोलते हैं लोग कि कूप है, मोस्टली लोग तो कुआ ही बोलते हैं, बट मतलब काफी लोग जो पहले के हैं वो कूप बोलते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप अगर हस्त देखेंगे, हस्त को अब हम लोग हाथ हाथ बोलते हैं तद्भव में। इसी प्रकार से तत्सम का चैत्र होता था, अब उसे हम चैत बोलते हैं, ये हिंदी का महीना होता है चैत्र। इसी प्रकार रात्र था, उसे अब हम रात बोलते हैं, हास्य को हंसी बोलते हैं, क्षीर क्षीर को अब हम खीर बोलते हैं, पहले हम क्षीर बोला करते थे खीर को, यानी तत्सम में हम क्या बोलते थे, यानी खीर बोलते थे, क्षीर बोलते थे, अब हम खीर बोलते हैं। कच्छप, कच्छप मतलब ये आपका तत्सम रूप था, अब इसे तद्भव में हम कछुआ बोलते हैं। अश्व, अश्व मतलब पहले घोड़ा, ये संस्कृत का शब्द का अश्व, अब घोड़ा हम बोलते हैं तद्भव में, क्या बोलते हैं, घोड़ा बोलते हैं। निंद्रा को अब हम नींद यूज करते हैं, नींद बोलते हैं। ऐसे मयूर को अब हम मोर बोलते हैं, चर्म को चमड़ा। ये सब याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली पूछे जाते हैं। गंधर्व को अब गधा बोलते हैं, दिवस को दिन बोलते हैं, ग्रह को घर बोलते हैं, घट को घड़ा बोलते हैं। इसी प्रकार से हम, और उसके बाद हम जैसे कर्ण को कान बोलते हैं, श्रवण को सावन बोलते हैं, तो ये चीज़ हम अब यूज करते हैं। अब आगे देखेंगे ये देशज शब्द, देशज शब्द क्या होते हैं, देशज मतलब देश लगा हुआ है, ठीक है ना। तो नेटिव वर्ड्स हैं जो राष्ट्र के लिए यूज करे जाते हैं। वे शब्द परिस्थित बस देश की विभिन्न भाषाओं में हिंदी में अपना स्थान लिए, देशज शब्द या देसी शब्द कहलाए। जैसे बेटा, सास, दादी, डिबिया, पगड़ी, धोती, लड़का, लुंगी, जूती, ये शब्द हमारे किस पे बोले जाते हैं, नेशनल लेवल पे बोले जाते हैं। बेटा बोला जाता है, सास, दादी, डिबिया, पगड़ी, धोती, लड़का, जुग्गी, इस तरीके से। अभी ये शब्द कहाँ बोले जाते हैं, मतलब नेशनल लेवल पे बोले जाते हैं, आपने देखा होगा। अभी आप अगर बेटा बोलोगे तो मोस्टली लोग उस चीज़ को समझ लेंगे बेटा, क्योंकि तो ये नेशनल लेवल पर यूज करे जाते हैं। ऐसे विदेशी शब्द क्या हैं, जो मतलब वर्ल्ड लेवल पर बोले जाते हैं, विदेशी शब्द या आगत शब्द भी बोलते हैं। वर्ड्स ड्राइव्ड फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेज, तो ये फॉरेन लैंग्वेज से इनको यूज करा गया, लिया गया है। जो शब्द विदेशी भाषाओं में हिंदी में आ गए हैं, विदेशी भाषा से सीधा हिंदी में आ गए हैं, जो शब्द विदेशी भाषा से किस में आ गए हैं, सीधा हिंदी में आ गए हैं, आ गए, उन्हें हम आगत या विदेशी शब्द बोलते हैं। जैसे औलाद, औलाद एक शब्द है, ये किसका है, तो ये विदेशी है। कमरा, कमरा जैसे रूम, रूम को कमरा बोलते हैं। किताब, चाय, स्टूल, कोट, मफलर, स्वेटर, पुलिस स्टेशन, मास्टर, पेन, कैंची, ये सभी क्या हैं, ये सभी विदेशी शब्द हैं और हम इन्हें यूज करते हैं अब हिंदी में, ठीक है ना, ये सब विदेशी शब्द हैं। ऐसे ही कुछ यहाँ शब्द दिए जा रहे हैं, और भी शब्द हमको दिए जा रहे हैं, जिससे कि हम और ज़्यादा जानकारी इनके बारे में ले लें। देखिए जैसे अंग्रेजी में, अंग्रेजी से कौन कौन से लिए गए हैं, जैसे ड्राइवर, कोट, बोर्ड, शर्ट, बस, प्लेट, टाई, टेलीविजन, कार, बटन, इन सब की आपने इंग्लिश पढ़ी होगी, इन सब शब्दों की इंग्लिश पढ़ी होगी, तो ये सब इंग्लिश के शब्द हैं। फारसी से कुछ शब्द हैं, देखिए जैसे वादाम है, बादाम है, उसके बाद आपको बर्फ मिलेगा, मुर्दा, ठीक है, खून, फासला, हजार, कागज, दुकान, तो ये सभी शब्द मालूम, ये शब्द दे करके आपको, आपसे पूछ लेता है कि ये बताइए ये जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है। इसी में से जैसे ऐसे में से कोई शब्द दे देगा, जैसे उसने दे दिया कि मुर्दा बताओ, मुर्दा किस भाषा का शब्द है, तो वो फारसी भाषा का शब्द है, तो इन्हें आप याद कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। अरबी भाषा के शब्द जैसे हलवाई, जिला, किताब, नकद, इरादा, वकील, औरत, मुस्लिम, मुसलमान, हकीम, ये सभी कैसे हैं, अरबी भाषा के शब्द हैं, तो इन्हें लिख करके आप इनको याद करिए। चीनी से,
चीनी से, जैसे लीची है, तूफान है, चाय है, पटाखा है, ये सभी चीनी भाषा के शब्द हैं। पुर्तगाली भाषा तौलिया है, अलमारी है, गोदाम है, काजू है, आलू है, कमरा है, ये सभी कहाँ हैं? पुर्तगाली भाषा के ये सभी शब्द हैं। अब देखिए लास्ट संकर शब्द, और संकर शब्द में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है वर्ड्स मेड फ्रॉम टू मिक्स्ड लैंग्वेज, दो लैंग्वेज को यूज करके, दो भाषाओं को यूज करके ये शब्दों को बनाया गया है, मिश्रित करा गया है। जैसे यहाँ पे रेलगाड़ी आप एक शब्द देख रहे होंगे, तो रेल एक इंग्लिश का शब्द है, रेल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेन बोलते हैं। तो रेल हो गया ट्रेन, प्लस गाड़ी, गाड़ी ये गाड़ी हमने देखा है देहात की भाषा में यूज करा जाता है, गाड़ी है। ठीक है, तो ये हिंदी भाषा का शब्द है। किसका है? हिंदी भाषा का शब्द है। इन दोनों को मिलाकर हमने रेल गाड़ी बनाया। इसी प्रकार से तो मतलब आप और भी शब्द देखेंगे, तो इन्हें क्या करा गया है, इन्हें हमने लिया है और हमने इन्हें क्या बनाया है, अंग्रेजी शब्द लिए, हिंदी के शब्द लिए, तो इनको हमने मिला करके शब्द जो बनाए हुए हैं वो हमारे सभी संकर शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द आपको जो भी मिलेंगे इसमें इंग्लिश भी दिखेगी और आपको हिंदी भी दिखेगी, तो वो हमारे सभी संकर शब्द होंगे। तो इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही, और अगले वीडियो में हम आपको उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के जो भेद हैं वो आपको बताएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। थैंक यू।